असी नबी दे घर वालियां नूं भी मानने आ, नबी दे दर वालियां नूं भी मानने आ। दस्या जांदा है, सिर ला लो, असी घर वालियां दे भी मानने वाले ते। अच्छा मैं तुहाडे कोलों तुसी सादे, मैं भी सादी सादे अंदाज नाल गल समझाना चाहना। जेड़ा सुसर होवे, सुसर वो बाहर वाला हुंदा है। बोल छड्डो, अल्लाह की कसम नहीं परचा हुंदा, बोलते हैं बोलो तो सही ना यार। तुसी ते इंज डरदे हो जिवें तुहाडे ते सुभान अल्लाह कहिंदे आ परचा हो जाना है। सुसर जेड़ा होवे घर वाला हुंदा कि बाहर वाला? बोलिया जे घर वाला, सारे कहते हैं घर वाले ने सुसर घर वाला, लेकिन ये गल अपनी बीवी के सामने कोई बंदा ना करे कि सुसर बाहर वाला होता है, सुसर बाहर वाला होता है, वरना उन्हें बाहर रखना, तू बाहर लगा जा, ये गल नहीं करनी। अच्छा जिन्होंने बेटियां के रिश्ते दिते जावन घर वाले होंगे ने कि बाहर वाले? सारे नहीं बोलते भाई, घर वाले ने कि बाहर वाले? अच्छा घर वाले, मैं आख्या कि सुसर घर वाला होंगे कि बाहर वाला? तुसा सारे आख्या घर वाला होंगे। अच्छा मेरा तुहाडा सुसर घर वाला होए तो मेरे नबी दा अबू बकर क्यों नहीं घर वाला? मेरे नबी दा उमर क्यों नहीं घर वाला? बोल छड्डो सुभान अल्लाह, कितने जाके सुभान अल्लाह कहनी जे। अगर जिन्होंने बेटियां के रिश्ते दिते जावन अगर वो घर वाले हो सकते हैं, मेरे तेरे घर वाले हो सकते हैं, मेरे नबी दा उस्मान भी घर वाला है, मेरे नबी दा उस्मान भी घर वाला है, मेरे नबी दा अली भी घर वाला है। वो गल दी समझ आई कि कोई ना? क्योंकि मैं चंद गल्लां करना सभ्या के गल्लां अकीदे दियां हो जान, अलामा साहब अकीदे दियां, बुजुर्ग बैठे ने दुआ लैनी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़न आ लियो, फतह मक्का हुई। क्या बात है, क्या बात है, पता चलिया के ए हजरत सैयदा हजरत हसन पाक हुसैन पाक अली पाक नू हजूर ने आखिया कि मेरी आहले बैत ने, ते दा मतलब यह नहीं कि नबी दी बीवियां आहले बैत दे विच शामिल नहीं, मतलब यह नहीं कि नबी दे जनाब वाला जेडे करीबी रिश्तेदार ने घर अंदर शामिल नहीं। अच्छा जो फतह मक्का होया ना, मक्के दे उत्ते बुत नसब किए सन उन्होंने मुश्कत मुशरिका ने, मेरे आका ने फरमाया अली मेरे कंधिया ते आओ ना। सुभान अल्लाह, तू सदके जा तुहाडी तू अली, तुसी मेरे कंधिया ते आओ ना, इन्हां बुत्तां नूं हटाओ। अली पाक मेरे नबी दे कंधिया ते आए, बुत्तां नूं हटाया। सिर्फ गल करन दा मतलब ए वे अगू हर बंदा सियाणा समझ समझण जोगा है ते समझ आएगा, जेड़ा नबी दे कंधिया ते आए ओ ते बड़ी शान वाला, जेड़ा नबी दे कंधिया ते आए ओ शान वाला ते जिहदे कंधिया ते नबी आप आए। क्या बात है थोड़ी, क्या बात है, जिन्हों के कंधिया से हजूर आपे आ जान फिर अबू बकर का कितना मुकाम होएगा, फिर हजरत उमर का कितना मुकाम होएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, हुण ए जेड़ा जुमला मैं आखन लगा ना, जे इत्थे सोचन का टाइम मिलिया तो सोच लिया जे, वरना घर जाके सोचा जे। जुमला आख्या की गया सी, बंदा कोई होएगा ना इत्थे बहण वाला लंगर वाल ध्यान ना होएगा तो सोचो इत्थे ही लेगा। अच्छा अली पाक दी गोदी दे अंदर हजूर दा सारे ते केड़ी नमाज जांदी है भाई? सारे बोलो, सारे बोलो, असर दी नमाज जांदी है भाई। अली पाक दी गोदी अंदर नबी दा सारे नमाज केड़ी जांदी है भाई? असर दी नमाज है। अली पाक दी गोदी अंदर नबी दा सारे नमाज असर पे जांदी है, ते जिन्हां दे मजहब अंदर असर है ही नहीं। मैं आख्या इत्थे कई बंदियां नूं नहीं समझ आनी, जाके सोचिया जे कह की है ये, वे के अली पाक दी सारे गोदी अंदर नबी दा सारे असर दी नमाज पे जांदी है, ते कई उंज ही असर नहीं हुंदा कि असर पढ़दे ही नहीं। सुन्नी हो ए जड़ा असर पढ़न वाला है, सुन्नी हो ए जड़ा असर पढ़न वाला है। अच्छा जिन्हां दी गोदी अंदर चंद घड़ियां नबी दा सारा है वो तो बड़ी शान वाले, ते जिन्हां दी गोदी अंदर तीन दिन ते तीन रातां हजूर दा सारे वो अबू बकर दा किन्ना मुकाम है, हजरत उमर फारूक दा किन्ना मुकाम है। अगर नबी दे सारे यार सारे जनाब वाला घर वालियां दी गल करां मौजू अलहदा हो जाएगा, दिल करदा नबी दे पुत्रां ते गल करां। सुभान अल्लाह, दिल करदा नबी दे पुत्रां ते गल करां, जे उंची सुभान अल्लाह खुद मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ां।
ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਨਮਾ ਯੁਰੀਦੁਲਲਾਹੁ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬਾਨਕੁਮੁਰ ਰਿਜ਼ਾ ਹਲਲ ਬੈਤ ਵਯੁਤਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹਿਰਾ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਰੱਬੇ ਕਹਿਨਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਸੋਹਣਿਆ ਵਦੂਹਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਿਆ, ਮੱਲੈਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲਿਆ, ਆਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਐਵੇਂ, ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਨਫਾਕੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸੁਥਰਾ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਫਾਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਫਾਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸੈਯਦਾ ਪਾਕ ਦੀ, ਮੌਜੂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ, ਮੌਜੂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਲੋਕਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਨਲੈਣ ਪਾਕ ਉਤਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਲੈਣ ਪਾਕ ਉਤਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਦੀ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਲੈਣ ਪਾਕ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਲੈਣ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਲੈਣ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਮੇਰੇ ਨਲੈਣ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਲੈਣ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਲੈਣ ਕਿਉਂ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਜਾਹਰ ਮਾਹੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੜਪ ਜਾਓਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੋ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਲੈਣ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਜ਼ਮਤ ਅਲੇ ਨਬੀ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਾਲਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਾਲਜ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖੋ, ਅਜ਼ਮਤ ਆ ਅਲੇ ਨਬੀ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲ
लोगा अल्लाह की कसम उठा के आना इतो मर के कबर च जाना है। अज एमपीए दे नारे मारन वास्ते साढ़े कोल टाइम है, एमपीए दे नारे मारन वास्ते साढ़े कोल टाइम है, एमएनए दे नारे मारन वास्ते साढ़े कोल टाइम है, मुल्क दे वजीर आजम दे नारे मारन वास्ते साढ़े कोल टाइम है। लेकिन इन्हां दे नारे मारने अल्लाह की कसम उठा के आना हो सकता है ये मेरे तेरे जना दे अंदर भी ना आव जो मर के कबर च जाना है। लोका जो मर के कबर च जाना है जिते किसे नहीं आना उथे जहरा दे बाबे आ जाने उते मेरी सरकार ने आ जाने। फिर क्यों नहीं असी पढ़ते असी ते गली गली जाके हर कूचे जाके हर नगर जाके एक ऐलान करके आखांगे अजमत भूल न जाना लगा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा अज़मत भूल न जाना लगा असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगा और अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगा देखना गए देखना गए रे की बातों में नयाना लोगा और जब फरिश्ता आए अजल सुनने का तारफ पूछे कि ये मेरा ते तेरा तारफ सुनिया मेरा तेरा तारफ है नहीं मेरे को बड़िया डिग्रियां ने मेरा तेरा तारफ है नहीं मेरे को बड़ा माल है मेरा तेरा तारफ है नहीं मेरे को गड्डी चंगी है मेरा तेरा तारफ है नहीं मेरे को कोठी चंगी है कि ये मेरा ते तेरा तारफ है। काश मेरी तेरी मैयत जानी हो मैं मेरा तेरा जनादा जानदा हो मैं लोग पुछन कि जनादा है कौन है जिदे जनादे अंदर इन्ना रश है कि जनादा है लोग उंगलियां उठा के आखन ये गदा है ये गदा है तरे जहरा है बताना लोगा यार नबी दी बेटी का ना ले लो मदीने मेरा नबी राजी हो जाएगा नजफ बिच मौला अली राजी हो जाएंगे मेरा पीर हुसैन राजी हो जाएगा एक आखो ना मैं गदा है भाई मैं गदा है दरे ज़हरा है बताना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने आयो आका हजरत अबू हुरैरा नलैन साफ करते ने नबी दे पुत्र ने ए नबी दी आल है ए नबी दी आल है। अज कई मार्केट के अंदर इंजीनियर आ गए ने कई आ गए ने कम करते सन पलंबरी का तो हुण ओह दीन आले पासे आ गए आके कहंदे ने बाबे शेख कोई नहीं और मैं क्या बेशर्मा बाबे इन्नी शह है नहीं बाबियां दे लड़ कुत्ता लगे रब कुत्ते नूं भी जन्नत दे देंदे तुहाड़ी सुभान अल्लाह तू सदके जावां मैं क्या अगर बाबियां दे लड़ एक कुत्ता लग जाए रब उस कुत्ते नूं भी जन्नत
बाद विचु आजो कदे दाता साहब नू बकवास करता है, कदे हजरत सुल्ताने बाहू वाले रहमा आप नू बकवास करता है। मैं क्या गल सुन, दाता साहब की वलायत एक पासे रह गई, एना वेख कमीनिया दाता साहब हसनी हुसैनी सैयद नहीं, हसनी हुसैनी सैयद नहीं। तो जेड़ा सैयदा नू भौंके ना वह बंदा नहीं कुत्ता हुंदा। बोल छड्डो, हजरत सुल्ताने बाहू अलैहि रहमा वलायत एक साइड ते रख, ओ सैयद नहीं। ते जेड़ा सैयदा नू भौंके बंदा हुंदा, सारे बोलो बंदा, वो जहान दी चवल है। ओंज जनाब वाला टीविया ते आके आंदा जी बुखारी में ये लिखा है, मुस्लिम में ये लिखा है। मैं क्या बुखारी तेरे अब्बे लिखी है, मुस्लिम तेरे अब्बे ने लिखी है, बुखारी भी ते बाबे ही लिखी है ना। बुखारी किने लिखी है, बोलो बाबे लिखी है ना। उंज पढ़ पढ़ के बुखारी ते मुस्लिम, बुखारी अंदर ये होंदा ते मुस्लिम अंदर ये होंदा है, है? बाबियां दी गल्लां पढ़ना ते दौड़ दौड़ कुत्तिया मालकां नू पै गए। आदम सैन रिजवी साहब अमीर उल मुजाहिदीन आ फरमांदे हुंदे सन, दौड़ दौड़ कुत्तिया मालकां नू पै गए। हदीसां भी बुखारी दी पढ़ना ते फिर आना बाबियां नू नहीं मनना। मेरे हाल गल कोई उत्तू नहीं गुजरती है भाई, वो समझ आ रही है जी। अच्छा, मदायन फतह होया, मदायन माले गनीमत आया जनाबे उमर को, जनाबे उमर को माले गनीमत आया। पता है जनाबे उमर कौन ने? मेरे आका ने फरमाया मेरा उमर होए जिदी जुबान ते रब ने हक जारी कर दिता है, जिदी जुबान ते रब ने की कीता जी। अच्छा, असा सहाबा इकराम रब मन्या ते किना दी जुबान ते? हजूर दी जुबान ते, बोलो सरकार दी जुबान ते। सरकार ने फरमाया रब है ते मतलब, बोलो है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ कोई हजूर दी जुबान जो एकाल निकली ते मेरे आका ने फरमाया मेरा उमर जिस राय गुजरता है ना शैतान भज जाता है, शैतान दौड़ जाता है। मदायन फतह होया, दौरे खिलाफत हजरत उमर दा है, मदायन फतह होया। हुन पहला शहजादा अपना हक लैन आया, अपना हक लैन आया। ओ शहजादे दा नां की है, ओ शहजादा कौन है? ओ शहजादा हम शक्ल मुस्तफा है, नबी दा वड्डा जनाबे आला, अली पाक दा वड्डा पुत्तर है, सैयदा पाक दा वड्डा पुत्तर है, नबी दा नवासा है, ना मौला हसन। आप हजरत उमर दे कोल आए ने, आके कहंदे ने काल या अमीर अल मोमिनीन, जनाबे हसन आके आंदे ने ए अमीर उल मोमिनीन जी सानू साडा हिस्सा दियो, सानू साडा हक दियो। हजरत उमर फरूक आंदे ने, आंदे ने गुलाम नबी दा नवासा आया है, इन्हां दा अदब भी जरूरी है, एक हजार दिरहम इन्हां नू माले गनीमत विचो दे दिते जामन। इमामे हसन एक हजार दिरहम दे दिते गए ने, आप लैके चले गए ने। तवज्जो दा तालीबान जेड़े कहंदे ने जी सहाबा नू आले रसूल नाल प्यार नहीं सी ना, मैं दसन लगा जे अजे के जनाबे वाला इमामे हसन लैके चले गए ने। हुण फिर दूसरे नंबर ते दूसरा शहजादा आया है, ना की है, ना की है, जेड़े ना तो लैके थले पैरा तीकर हम शक्ल मुस्तफा ने, सैयदा दा छोटा बेटा है, ना मौला हुसैन। आका हुसैन दे नाते हाथ चुके आखो सुभान अल्लाह, मेरे नबी दे गुलाम आका हुसैन आए ने, आके कहंदे ने ए अमीरुल मोमिनीन सानू साडा हक दियो, सानू साडा हिस्सा दियो। हजरत उमरे फरूक आंदे ने, आंदे ने गुलाम
नबी दा पुत्र आया है, अली दा पुत्र आया है, इन्हां नूं हजार दिरहम दे दिते जावण। हजार दिरहम लैके हजरत इमाम हुसैन भी चले गए ने। हुण तीसरे नंबर ते जनाबे हजरत उमर दा अपना शहजादा आया, आप दा अपना पुत्र आया, ना जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर। आप आके अर्ज करदे ने, आंदे ने बाबा मैं अपना हिस्सा लैन आया वा मेरे करीम आका दे गुलाम। जनाबे हजरत उमर कहंदे ने, आंदे ने गुलाम ए नबी दा पुत्र नहीं है, ए उमर दा पुत्र है, इनू 500 दिरहम दे दिते जावा। उन्हां नू हजार हजार, इन्हां नू 500 दिरहम दे दिते जावन। हजरत अब्बा हजरत उमर बिन हजरत जनाबे आला हजरत उमर दे बेटे जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर अपने बाबा कोल चले गए ने। जाके अर्ज करते ने, आंदे ने बाबा हसन ते हुसैन जदों खेलदे हुंदे सन मैं उदों भी जंग अंदर शरीक हुंदा सा। एक की गल होई, उन्हां नू हजार हजार दिरहम मिले, मैनू 500 क्यों मिले ने? मैनू भी ते हजार मिलने चाहिए सन, मैं भी जंगा च शरीक हुंदा रहा वा। जनाबे उमर दा प्यार वेखिया जे, आप दी मुहब्बत वेखिया जे, आप फरमांदे ने अब्दुल्ला जे तेरे कोल चंद सवाल करा जवाब दे देगा, हजार तेनू भी दे देंगा, हजार तेनू भी मिल जावणगे। मेरे करीम आका इस्लाम दा कलमा पढ़न आलियो, हजूर दी बदम विच आके बहन आलियो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपने बाप दी बारगाह चर्द करदे ने, आंदे ने बाबा केड़े सवाल करने जे, दसो मैं जवाब देने वास्ते तैयार हाँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने, बाबा जी की कहना चाहते हो? जनाबे उमर आंदे ने, ऐ जुमले जाया ना करिया जे, जे सीने ठंड पै जाए तो सुभान अल्लाह बोल लवी, नबी दे पुत्रां दी शान है। जनाबे उमर आंदे ने, अब्दुल्ला जा हजार तेनों वे देंगा, जा हसन दी मां वर्गी मां लै गया, हसन दे बाबे अली वर्गा बाबा लै गया, उना दे नाने वर्गा नाना लै गया, उना दी नानी वर्गी नानी लै गया। जनाबे उमर आंदे ने अब्दुल्ला उना दा नाना नबियां दा सरदार। उच्ची आखो यार सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, हजरत उमर फरूक आंदे ने अब्दुल्ला ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਹੈ, ਜੱਗ ਦਾ ਤਬੀਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਆਇਓ। ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ। ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ। ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਆਖੋ ਮੌਲਾ 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 ਮੌਲਾ। ਐ ਵੇਖੋ ਜਿੰਜ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਜਾਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ 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 ਅਲੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਏ, ਪੁੱਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਆਲਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਆਲਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਲਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਆਲਾ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ, ਰਸੂਲ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੱਛਾ, ਰਸੂਲ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਏ,
अजे भी पूछना बोलो बजुर्ग अपनी मर्जी नाल बीमार अपनी मर्जी नाल जरा करू नीयत करके आया से ना महफल च नहीं बोलना उन्होंने तो पक्की माफ़ी है उन्होंने असी पक्की माफ़ी देने तो जिन्हें पढ़ना है ना ऐ मेरे भाई वजदान साउंड वाले ने जवेद भाई ऐ इन्हों की मूवी लगी है ये पूरी दुनिया तो सुनी जाती है इन्ह की मूवी अच्छा जिन्हें पढ़ना है ना भाई कैमरे वाले जरा इन कैमरा मारी और जिन्हें आखना है ना हुसैन की हाथ इंज खड़ा करो ना जिन्हें कहने आका हुसैन के नाते मेरे नाते नहीं एम पी ए नाते नहीं एम एन ए के नाते नहीं इंज बादू लहरा के आखो रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछने हुसैन की है रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछने हुसैन की है रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछने हुसैन की है माँ हुसैन दी नबी दी दी है अजे भी पूछने हुसैन की है माँ हुसैन दी नबी दी दी है अजे भी पूछने हुसैन की है गोदे नबी बिच हुसैन भलिया है तेरा सोना इमाम जलिया हुसैन पंज तैं 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 तां पंजमा जीए अजे भी पुछना हुसैन की है हुसैन पंज तैं दा पंजमा जीए अजे भी पुछना हुसैन की है हैरान सबने यजीद टोले बगैर दड़ दे हुसैन बोले शहीदां दी एगो शहीदां दी एगो शहीदां दी एगो ऐसे दबी अजे भी पुछना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़न आ लियो आखे अब्दुल्ला 500 दिरहम लबने ने हसन पाक दी बराबरी ना करो उन्हां दा घराना आ जे हुसैन पाक दी बराबरी ना करो उन्हां दा घराना आ जे और बाद ने ये लिखिया इतू तक कई हदीस सुनांदे ने अगली हदीस सुनना इहदा अगला जो हजरत आका हसन ते हुसैन ने जदों इन्हां वेख्या ना कि उमर पाक साढ़े घराने की तारीफ पे करते हैं सुभान अल्लाह छड्डो आप चलते चलते मौला अली कोल गए जाके अर्ज करते ने बाबा जी और ये तो एक रवायत मिलता है कि तिने शहजादे गए जनाबे हजरत इब्ने उमर भी गए तो जाके कहने बाबा जी उमर पाक ने अज साडी तारीफ की थी है साढ़े नाने की तारीफ की थी है साड़ी जनाबे वाला नानी की तारीफ की थी है साढ़े घराने की तारीफ की थी है हजरत अली पाक फरमाते ने अच्छा जो उन्हें साड़ी तारीफ की थी है तो असी भी कर देने जोना साड़ी तारीफ की थी असी भी कर देने बाबा जी की मेरे आका ने गुलामो जनाबी अली कहते ने हसन बेटा हुसैन बेटा अब्दुल्ला बिन उमर मैं नबी दी बार गच्छा सोने नबी ने सोने लब खोले सोने सोने बोल बोले ते मेरे आका ने फरमाया इन्ना उमरा सिरा जो अहले जन्ना मेरा उमर जन्नत दा चिराग
मेरा उमर जन्नत दा चिराग है। हजरत इब्ने उमर आके बाबा हुसैन बाबा उमर नु दसिया अली पाक तुहाडे बारे ए जानदे ने ओना हजूर को सुनया है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो हजरत उमर पाक आप दे बारे आंदा आप कहंदे ने अब्दुल्ला ए लो ना पर्ची ए लखवा के लै आओ अली पाक जो आखिया ना लखवा लियाओ। हजरत जनाब उमर आए एक रवाज मिलता हजरत उमर फरूक आपे आए आगे अंदर अली पाक जी जो नबी को सुनिया जाना लिख दो आपने लिखिया मेरे आका ने फरमाया मेरा उमर जन्नत दा चिराग है। फरमाया अब्दुल्ला बेटा हूं जिदू उमर का विसाल होएगा ना ए परची कफन च रख दे आ जे कफन च रख दे आ जे भाइया वो तो उन्होंने परचियां कफन च रखवाते पे ने जिन्हां दे बारे तू इंज दियां गल्लां करना पिया उते परचियां कफन च रखवांदे पए ने ए शान है नबी दे घर आलियां दी। लेकिन जी मैं सब सुनाने लग ए जनाब आला शान है नबी दे घर आलियां दी। लेकिन बाज़ुबाने हजरत उमर ते शान है हजरत उमर बाज़ुबाने मौला अली बोल छड्डो सुभान अल्लाह। अच्छा हदीस पाक तुसा सुनी होएगी मेरे आका ने फरमाया मेरा हसन ते हुसैन जन्नती नौजवानों दे सारे बोलो सरदार ने। अच्छा ये हदीस पाक सुनी है ते सारे सुनी है हुण मैं एक हदीस पाक सुनावा जिहनू रवायत करन वाले मौला अली ने बोल छड्डो। अज बंदा आखे मैं मौला अली नू मानना मैं क्या जे मौला अली नू मानना है ते मौला अली दी क्यों नहीं मानदा ते सुन्नी ते मानदा ना सुन्नी ते मन्नन आले ना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़न आलियो हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा हदीसे पाक नू रवायत फरमांदे ने मेरे आका ने फरमाया मेरा अबू बकर ते उमर ए जन्नती बूढ़िया दे सरदार ने जन्नती बूढ़िया के सरदार ने। अच्छा जी हूँ बंदा आखेगा कि जन्नत में सारे जवान होंगे उलामा फरमाते ने जेडे बूढ़े हो के दुनिया तो जाएंगे जन्नत उन्होंने सरदार अबू बकर ते उमर होंगे है पर जिन्होंने आले रसूल का अदब किया एहतराम किया। आओ मेरे मुसलमान भाईओ समाप्त करना चंद गल्लां हजरत जुनैद बगदादी अलहरामा वक्त का पहलवान है दरबारी पहलवान है। हजरत जुनैद बगदादी नाल बड़े बड़े पहलवान लड़न तो डरते ने कोई कुश्ती नहीं करता। एक दिन ना एक कमजोर जे बंदे ने आके दावा कर दिया कहिंदा मैं जुनैद नाल लड़ना है मैं जुनैद नाल लड़ाई करना चाहना। एक गल पहुंची वक्त के बादशाह तक गल गई। अच्छा जी फिर तारीख रख दी थी गई फुला तारीख से जनाबे वाला जुनैद बगदादी की कुश्ती होएगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़न आलियो इधर तारीख रख दी थी गई लोग जोक दर जोक आ रहे ने ओए वड्डे वड्डे पहलवान ते जुनैद नाल लड़न तो डरते ने ये केड़ा एडा पहलवान है जेड़ा सुनिया है भी कमजोर है जिसम का कमजोर है आंदा मैं जुनैद नाल लड़ना है आंदा मैं जनेर ने लड़ाई करनी है तुहाडे नाल कोई नहीं लड़दा तुसी उच्ची आखो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़न वाले ओ जनाबे आला एक कमजोर जे बंदे ने आके दावा कर दिता है ओए लोको मैं जुनैद बगदादी नाल लड़ना चाहना वा मैं जुनैद दे नाल लड़ना है वक्त दे बादशाह तक गल गई है हुण तारीख रख दिती गई है फलां तारीख ते जुनैद बगदादी दी कुश्ती फलां बंदे दे नाल होएगी। मेरे करीम आका अली सलाम दा कलमा पढ़न वाले हुण लोक जोक दर जोक ने कौन हो बंदा जिन्हें जुनैद नाल कुश्ती करन दा दावा कर लिया वे ओ लोको जदू मैदान लग गया है जुनैद बगदादी भी मैदान अंदर आ गए कमजोर जिहा बंदा भी मैदान अंदर आ गया हुण जदू पंजे दे विच पंजा पे आवे जदू कुश्ती होण लगी है हुण कमजोर जिहा बंदा बोलिया बोल के कहंदा है आंदा जुनैद कन करीब कर तेरे नाल कोई गल करना चाहना वा कन करीब कर तेरे नाल गल करना चाहना वा। हजरत जुनैद बगदादी ने जदों कन करीब किया है जदों कन करीब किया हुण कमजोर जिहा बंदा बोलिया दर्दे तेरे रख के जुमले समात करना कमजोर जिहा बंदा बोलिया बोल के कहंदा आंदा जुनैद
मैं कोई कुश्ती कराना आला नहीं हां, मैं सिर्फ तेनु अपना तारफ कराना चाहना वा, मैं कुश्ती करन आला नहीं हां। जिन्हें ते बगदादी आंदे ने आंदा तुहाडा तारफ की ए, अगू बोल के आंदे ने जिन्हें अगर मेरा पूछना चाहना है मेरा तलक नबी दे घराने नाले। मैं एक सैयदादा मां, मैं सैयदादा मां, ओ सैयदादे हो तुसी क्यों कुश्ती करदे हो पे, क्यों जने नु गुनाहगार पे करदे हो। सैयदादा बोलिया बोल के कहंदा है जने आज कई दिन हो गए ने मेरिया बच्चियां भुखियां ने, कई दिन हो गए ने मेरिया बेटियां भुखियां ने। मैं पापना सुबह निकलना मां ते बेटियां नाल वादा करके आना, मैं आज कुछ ना कुछ खान नू लेके आवांगा। लेकिन जुनेद जदों रात नू खाली पहुंचना गए मैं बेटियां वल वेखना वा मैनू चैन नहीं आंदा। केड़ा बाप है जड़ा अपनियां बेटियां नू भुखियां वेख सकदा है, केड़ा बाप है जड़ा अपने पुत्रां नू भुखियां वेख सकदा है। अज पुत्र ने एक दिन दा रोजा रखिया है, मां कदे सीने नाल लांदी है कदे बाप सीने नाल लांदा है। मैं सदके जामा मेरे पुत्र ने रोजा रखिया है, लेकिन जुने आज कई दिन हो गए ने सैयदा ज़हरा पाक दियां कलियां भुखियां ने, मेरियां बेटियां भुखियां ने। मैं जदों बेटियां वल वेखना वा मैनू चैन नहीं आंदा। कई दिन हो गए ने मेरियां बेटियां कुछ नहीं खादा, अल्ला बाप कहंदा है मैं भुखा रह लवां मेरियां बेटियां रज के खा लैन। लेकिन मेरियां बेटियां सबर आलियां ने, वो सबर करन आलियां ने मेरे करीम आका दे गुलाम। हुण जुनेद गल सुनदे जांदे ने अखां विच आंसू जारी हो गए ने, जुनेद ते बगदादी आप रो रहे ने। हुण सैयदादा बोलिया बोल के कहंदा है आंदा जुनेद असी किसे कोलों जनाबे आला किसे दी अग्गे जाके असी चोलियां नहीं फैला सकदे। साडा घराना होवे जिन्हां दे अग्गे कायनात चोलियां फैलांदी है, जिन्हां दे अग्गे कायनात जोलियां फैलांदी है। असी किसे कोलों सदके दा माल नहीं लै सकदे, साडा घराना होवे साडा नाना होवे जिन्हां दा सदका कायनात खा रही है, जिन्हां दा सदका कायनात खा रही है। मेरे करीम नबी दे गुलाम हुण जनेद गल सुणदे जांदे ने जारी हो गए ने मेरे करीम आका दे गुलाम। हुण जुनेद बगदादी गल सुन दे जांदे ने अक्खां जिया सुजारी हो गए। ए सैयदादा अपनी दासां पिया सुनांदा है हजरत जुनेद बगदादी ने थोड़ी जी कुश्ती करके सैयदादे नूं सीने ते बिठा लिया है। उधर लोकां ने रोला पाना शुरू किया, ओ लोको जुनेद बगदादी कुश्ती हार गया है, जुनेद हार गया जे। लेकिन लोगों नु की पता है अज जुनेद दा सौदा की होया है, उची आखो सुभान अल्लाह अज जुनेद दा सौदा की होया है। हुण सैयदादा बोलिया आंदा जुनेद असी किसे दा बदला ज्यादा देर तक नहीं रखदे मेरे मुसलमान भाईओ। हुण जुनेद ते बगदादी ने फिर थोड़ी कुश्ती कीती, सैयदादे नु सीने ते बिठा लिया है। हुण लोकां ने आखिया वेखो जी वेखो जुनेद हार गया वे, लेकिन जुनेद दियां अखां च आंसू जारी ने। इधर आप हार गए सैयदादा जित गया, इनाम इकराम मिले ने। जुनेद बगदादी रोंदा रोंदा अपने घर की तरफ चले गए ने। हजरत जुनेद रोंदे रोंदे अपने घर की तरफ चले गए ने, जाके जुनेद बगदादी लेट गए ने, जाके जुनेद बगदादी लेट गए ने। इधर अख लगी उधर मदीने आले आका दी हाजरी हो गई है, मदीने आले आका दी
दी ज़ियारत हो गई है, हजूर दी ज़ियारत हो गई है। मेरी सरकार ने फरमाया, फरमाया जुनैद मैं तेरे ते राज़ी हां, मेरा रब तेरे ते राज़ी है। प्यार कीता मैं तेरे ते राजी हां, तेरे मेरा रब तेरे ते राजी है। तू मेरे पुत्र ने प्यार कीता है, मेरे पुत्र ने मोहब्बत कीती है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम आका हुसैन दी आल दे नाल, हजूर दी आल दे नाल जिन्ना जिन्ना प्यार कीता होएगा, इत्थे भी कामयाबी होना यासे, अगे भी कामयाबी होना यासे। जेड़े जुनैद बगदादी पहले वक्त दे पहल मेरे नबी की ज़ियारत हुई है, वक्त वली बन गए ना, मेरे नबी की ज़ियारत हुई है, वक्त वली बन गए ने। ये नबी का घराना है, ये नूर आला नूर घराना है। तां वास्ते आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुज्जती दे दीनों मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीरो मुर्शिद फरमांदे ने, आला हजरत की गल आए साडियां अखां बंद हो जांदियां ने। आला हजरत साड़ियां अखां बंद ने, असी कोई तहकीक नहीं चाहते, असी कोई चू चरा नहीं चाहते। जिथे आला हजरत की गल आ जाए सुन्नी मन लैंदा है, सुन्नी तसलीम कर लैंदा है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुज्जदीद दीनो मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते ने ते आंदे ने, सोने तू है एने नूर तेरा सब घराना न रखा तू है अने नूर तेरा सब घराना। एक दफा बाजो बुलंद करके पढ़ो फिर मैं शहादत चंद कलीमाल पढ़ो नबी दी याद दे नाते एंज बाजू बुलंद करके आखो तू है अने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है अने नूर तेरा सब घराना नूर का आखो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नार का। जिस तरीके दे नाल साडे बुजुर्ग अलामा साहब ते हजरत साहब आप फरमा रहे सन, जेड़ा नबी दे शहर मदीने जावे हले हूनी थोड़ी देर पहले हजरत कारी जनाब अला मुजम्मल साहब अज तू वापस आए ने। मेरे मुसलमान भाईओ आका हुसैन की उम्र छोटी है, मां की गोद अंदर रोए ने, मेरे नबी दे कन्ना च आवाज आई है, मेरी सरकार ने दरवाजे दस्तक दी अरमाया जहरा मेरा हुसैन क्यों रोया है। अर्ज की बाबा मामा दियां गोदा अंदर पुत्र रोई पैंदे ने, मेरी सरकार ने फरमाया मेरे पुत्र नू रो ना दिया कर, मेरा पुत्र रोवे मैनू तकलीफ हुंदी है, मेरा पुत्र रोवे मैनू अजियत हुंदी है। ईमानदारी दे नाल दसो जेड़ा हुसैन मां दे कदमां च रोंदा है मेरे नबी नू वारा नहीं खांदा, जिदू हुसैन मदीना छोड़ के रोया होएगा, जिदू नबी दा पुत्र मदीना छड़ के रोया होएगा। इधर जिदू यजीदियां दे खत कसीर आ गए ने, आका हुसैन फरमांदे ने अरमाया नी ज़ैनब चलो अज रात पै लैन दो, अज नाने दे रोजे ते आखरी अलविदाई सलाम अर्ज करन जाना वे। मुसलमान भाईओ आका हुसैन अलविदाई सलाम अर्ज करन जा रहे ने, तारीखी अंदर बहना नू नाल ले आवे, सैयदादियां नू नाल ले आवे, मेरे मुसलमान भाईओ सैयदादियां नू नाल ले आवे। आका हुसैन नाने दे रोजे ते आ गए ने, आके अर्ज करदे ने आंदे ने नाना जी हुसैन आया रे, जिस हुसैन नू कंधियां ते बिठांदे रहे, जिस हुसैन नाल बड़ा प्यार करदे रहे, नाना जी हुसैन मदीना छोड़न लगा जे, नाने दा शहर छड्डा
ਕਰਨ ਲਗਾ ਜੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾਈ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਕਾ ਹੁਸਾਕਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਇਆ ਜ਼ੈਨਬ ਚੱਲੋ ਤੇ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਅਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਅੰਮੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲਈਏ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੇ ਕੋਈ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੁਣ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਜੇ ਜਿਸ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੜਿਆ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਜੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੀਖੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਛੱਡ ਦਵੇ ਅੱਜ ਚੰਦ ਗਰੀਆਂ ਯਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਕ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਨੇ ਆ ਸੁਬੋ ਯਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੁਬੋ ਮਦੀਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ ਦੇ ਨਾਸ ਯਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕਫੀਅਤ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜਿਸ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਮਦੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਏ ਜਿਸ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮਦੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਏ ਪਾਇਆ ਕਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਨਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਉਣ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਰ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਸ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਮਦੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਵਾਨੀ ਮਦੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਆਖਾ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੀਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆਂਸੂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੀਖੀ ਅੰਦਰ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਓ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਲਗਾ ਜੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜਨ ਲਗਾਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮੇ ਆਲੀ ਮੁਕਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਇਆ ਜ਼ੈਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸਾਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਗਰਾ ਅਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਹਾਰੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਵਕਤ ਨੇ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਿਆ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੀਕਰ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੁਲਹਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਸੂਫੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੇਵਫਾ ਨੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਦੇ ਵਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ
ਹੈ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਆਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਜੋਗ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਖੈਮੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਇੰਜ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਾ ਇਹੋ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਸੈਨ ਪਰਦੇਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਖੈਮੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਬੈਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬੈਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬੈਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਚੁੰਮਿਆ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਨੇ ਚੁੰਮਿਆ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਚੁੰਮਿਆ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇ ਸੱਤ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੱਤ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵੇ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਧਰ ਯਜ਼ੀਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਇਹ ਦਰਦ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇ ਦਸ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਫਾਕਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਈਨਾ ਕਿਆਮਤ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮਤਬਤੁਲ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਫਾਕਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਚਾਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਦਾਵਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣੋ ਇਬਾਦਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਜਾਵੋ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਅਲ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਿਰ ਦਸ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਇਆ ਵੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਤਮਾਮੇ ਹੁਜਤ ਹਾਸੇ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਯਜ਼ੀਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਬਹਿਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਭਤੀਜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਹੁਸੈਨ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਦਸ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬੇ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਬ ਬਿਨ ਕਲਬੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਿਨ ਅਲੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਲੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਜਵਾਸ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਲੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫ਼ਕਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਇਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਖੈਮਾ ਕਿਦਾ ਏ ਇਹ ਖੈਮਾ ਸਾਨੀਏ ਜ਼ਹਰਾ
खैमा किताए खैमा सानिए दहरा दखमे खैमा हुसैन दी भैन दखमे अली दी धी दखमे जनाब इमामे अली मुकाम अपनी बहन दे खैमे च गए ने फरमाया अच्छा फिर ज़ैनब हुण वीर चला जे आखरी सलामी लै लो वीर चला जे मैं बाबे अली दी दुसार दी लाज रखनी है तुसा अम्मी दहरा दी चादर तहीर दी लाज रखनी है यार आज अगर किसे बहन दे वीर ने बरौने मुलक जाना है भैन एयरपोर्टा ते छोड़न जांदियां ने जदों पता चले वीर चला आवे भैन वीर दे सीने लग के रोंदी है वे वीरा कितों आओगे तुहाडी भैन तुहाडा राह उड़ीकदी होगी तुहाडी भैन तुहाडा राह वेखदी होगी पर अज दी भैन नूं पता वे मेरे वीर ने आ जाना वे सैयदा ज़ैनब जान दियां ने मेरा वीर चला गया वापस नहीं आएगा अज किसे बहन दे वीर ने दूल्हा बनिया होवे बहन नूं बड़ा चा हुंदा वे बहन गली मोहल्ले जाके सहेलियां नूं कहंदी है आओ वेखो मेरे वीर नूं किन्ना रूप चढ़िया होया वे पर अज सैयदा ज़ैनब दा वीर दूल्हा बनिया है मैदाने करबला नूं जान लगे ने फरमाया सैयदा दियो सबर करे आज मैं बाबे अली दी दरसार दी लाज रखनी है तुसा अम्मी दहरा दी चादरे तहीर दी लाज रखनी है शाला मरन ना वीर किसे दे ते ना होन ना मानिया बहना जिस बहन दा वीर नी कोई उस की दुनिया तू लैना अल मुक्तसर करना आका हुसैन बहन दे खैमे च निकले ने जनाबे शहर बानो दे खैमे जाए ने हजरत दे शहर बानो दे खैमे च निकले ने सैयदा सकीना दे खैमे चाए ने मेरे इमाम अपनी बेटी नू मिलदे पए ने फरमाया नी सकीना आखरी वरी मिलो अगो तो अबू नजर नहीं आउणगे अगो तो अबू दा चेहरा नजर नहीं आएगा सैयदा सकीना मिलदियां पईयां ने अर्ज करदियां ने अबू जी चले ओ फरमाया हां मेरी बेटी मैं चला वा फरमाया हजरत सकीना अर्ज करदियां ने आंदियां ने अबू जी अज मैनू ते मिल के चले ओ एक बैठी मदीने वीरां दा इंतजार करदी होएगी कदे अबू दा इंतजार करदी होएगी मेरे मुसलमान भाईओ अज सुबह बाप घरों निकलदा वे बाप अगर लेट हो जावे बेटी आंदी है मेरे अबू नू कॉल करो पता नहीं मेरे अबू किथे रह गए ने मेरे अबू नू पुछो मैनू परेशानी लगी है मेरे अबू किथे रह गए ने मेरे मुसलमान भाईओ बेटियां नू बाप नाल वालेहाना प्यार हुंदा वे बाप नू बेटी नाल वालेहाना प्यार हुंदा वे अगर बेटी अपने बाप नू कॉल करे आखे अबू मैनू फलानी तकलीफ पहुंची है बाप अपने पुत्रां नू कहंदा है अग लगे तुहाडे कारोबार नू पहले मेरी बेटी दी खबर लो मेरी बेटी नू को तकलीफ आ पहुंची है अज बेटी बाप दे सामने रोवे बाप आंदा मैनू रात नू नींद नहीं आउंदी मैनू दिन नू सकून नहीं आउंदा मुसलमान भाईओ आका हुसैन बेटी नू मिलदे पए ने हजरत सकीना अर्ज करदियां ने आंदियां ने अबू जी जे इजाजत होवे एक मसला पुछना चाहुंदी आं फरमाया बोल मेरी बेटी केड़ा मसला पुछना चाहुंदियां वो जुमले सुनोगे तड़प जाओगे सैयदा सकीना अर्ज करदियां ने आंदियां ने अबू जी इन्ना दस्या जे लोकी यतीम किन्ना नू कहंदे ने लोकी यतीम किन्ना नू आखदे ने कि मां बेटी नू दलासे देंदे ने सैयदा दी जांदी वार केड़े मसले पईयां पुछदियां वो अर्ज कीती अबू जी खैमियां च गल हो रही सी थोड़ी देर तो बाद सकीना ने यतीम हो जाना है थोड़ी देर तो बाद सकीना यतीम हो जाएगी आका हुसैन अपनी बेटी नू दलासे देंदे ने फरमाया नी सकीना किते सिर तो बाप दा साया उठ जाए
लोकी फिर उन्होंने यतीम आखते ने लोकी उन्होंने यतीम आते ने सैयदा ओ सकीना ने हाथ जोड़े हुए ने अर्द कर दिया ने अबू फिर ना जाया जे तुसी तुर गए सकीना ने यतीम हो जाने मेरे इमाम ने फरमाया फरमाया बेटिए बाप कदिया दी कदे गल नहीं मोड़दे बाप अपनी बेटिया दी कदे गल नहीं मोड़दे पुत्र अज ना दे दे दीन साडी कुर्बानी दी ज्यादा जरूरत है बेटी नु दिलासे दित्ते ने अज बाप दुनिया तू चला जावे लोकी आंदे ने सोना फुलाने दा बाप मर गया वे खाने दा इंतजाम करो लोकी खाने दा इंतजाम करदे रहे बेटिया बाप दी चार रुपये पकड़ी हुंदी है अप्पू जी तुहाडे इलावा कौन है साडा सहारो तुसी चले गए गल विरान हो गया वे हुण कौन साडी खबर लेगा हुण कौन सानू पुछेगा शाला कोई पहिए सकाथी हुसैनियत शाला कोई परदेश न थी वे आका हुसैन जैसी बेटी नु चला से देते में फरमाया जतीनो नाने दे दीन नु ज्यादा जरूरत है बेटिए बाप दे बेटियां दी गल मोड़ दे मैनो पर अज नाने दे दीन नु ज्यादा जरूरत है आका हुसैन तेरा से दीते खेमे जुबा रहे ने अच्छा लहन वाला पे दीन पुत्रा ख्याल रखी है और मेरा इम्तिहान मुकन आला वे साडा इम्तिहान श्री आउण आला वे शदादिया सफर रखे आ जे आका हुसैन सवारी में बैठे ने बाद मुअज्जिन खीन लिखते ने आका हुसैन सवारी नु एड़ी मारते ने लेकिन सवारी चलनी पई ने सवारी चलनी पई ने आका हुसैन सवारी नु मुखातब होके फरमाते ने सवारी है तू क्यों रुकी हुई है मेरे वीर रह के गई है अगे रुकी हुई ने मेरे पुत्र रह के गई है रुकी हुई ने हुन रुकन दी वजह की है आका हुसैन ने जो खैमिया वल नजर मारी है सैयदा ओ सकीना इंज हाथ बने हुए ने सवारी मेरे अप्पू नु ना लै के जाई मेरे अप्पू टुर गए सकीना यतीम हो जाएगी मेरे अप्पू नु ना लै के जाई मेरे चाचू लै के गई है वापस लै के नहीं आई मेरे वीर लै के गई है वापस लै के नहीं आई मेरे आका हुसैन फरमाया सैनुला पे दी बहन नु तलाशे दो आका हुसैन मैदाने करबला जा गए ने इधर की तरली दे पुत्र की तलवार उठदी है यतीमियां नु गाजर ते मूली दी तरह कट के रख दिता वे फिर आखर आका हुसैन फरमांदे ने दुनिया दे अकीले हो हुन हुसैन नु आखरी मर्तबा भी सर सजदे च रख लैण दो आका हुसैन सवारी तो थल्ले आए ने सर सजदे अंदर सार रखे आवे अल मुख्तसर करना वा आका हुसैन ने सर सजदे च रखे आवे एक यजीदी अगे आया वे ओने उस गर्दन ते वार कीता है जिस गर्दन नु मदीने आले आका चुमदे रहे जिस गर्दन नु हुजूर चुमदे रहे आका हुसैन दा सर तन तू जुदा हो गया वे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एना हौसला नहीं रखदा मैं अगे गल करा पर ली दे पुत्र ने ना आप दिन दिन पानी बन रहा वे फिर भी कदे कोई नहीं पीछे कोई नहीं हटे क्योंकि अली का घर भी क्या घर है किस घर का हर एक बच्चा इसे देखो वही शेर खुदा मलाम होता है अरे वाह हुसैन तो याद मुराद करके सलामी करो या खोया हुसैन वाह हुसैन असी हाय हुसैन आले नहीं असी वाह हुसैन आले असी हाय हुसैन आले नहीं असी या हुसैन आले या हुसैन या हुसैन वाह हुसैन या हुसैन सजदे तो सबने किए लेकिन तेरा आया
लाल है अरे तुमने वो सजदा किया किसने खुदा आपका हुसैन सर से रखिया आखिरी वेले भी पर दस्या नाने की उम्मत वक्त भावे जिन्ना मर्जी औखा हो जाए आ जाए वो दीवार का दूर ना हो जाए अज दस मुहर्रम सानू सबीलां लगानियां याद रहियां मैं सीधा मुनकर नहीं लगानियां चाहिए लगाओ लेकिन सबीलां लगानियां याद रहियां वो कुरान क्यों भुला छड़िया जिहड़ा आका हुसैन ने इहदे दी नोक ते चढ़ के पढ़िया उस कुरान तो क्यों दूर हो गए उन्हां सजदियां तों क्यों दूर हो गए मेरे करीम आका अली सलातो सलाम दे गुलामो ये कोई दरस है कि यार जिंदगी पता नहीं किन्ने दिन दी है ये कोई पता नहीं मेरे पीरो मुर्शिद अदर